दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में। और आप लोगों को ये वीडियो के साथ में हम कुछ मैसेज कुछ बातें करना चाह रहे हैं। और वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में तीन दमदार शेयर्स की बात हम करेंगे। फंडामेंटली बहुत अच्छे शेयर्स हैं जिनको हमने बहुत गहराई से पढ़ के शोध करके निकाला है आपके लिए, और यकीनन आपको यहाँ से 30-40% तक की बहुत अच्छी अपसाइड ग्रोथ देंगे इसी 2021 में। हम 2022 तक के वेट में नहीं हैं, 2022 के लिए आगे जो भी वीडियोस आएंगी उनमें कहीं ना कहीं हम अपनी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज तीन स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट जो लेके आए आपके लिए वो इस वीडियो में शेयर करेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो में एक डिस्कशन मार्केट को लेके, मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट की बात और मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, इन सब बातों को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो का जो मेन मकसद है वो स्टॉक को रिकमेंड करना या स्टॉक्स के ऊपर अपनी स्टडी देना ही नहीं है। इस वीडियो का मेन मकसद ये भी है कि किस तरीके से हम अपनी अब साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। जब तक साइकोलॉजी इम्प्रूव नहीं होगी मार्केट में अब, तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे। जैसा कि इससे पहली आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक में भी हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप चैनल पर जाके वीडियो देखेंगे तो हमने एक वीडियो बनाई थी अभी जल्दी में मार्केट की चाल हमारे साथ, जिसमें हमने अमेरिका में बॉन्ड यील्ड इंटरेस्ट रेट की चर्चा करी थी। हमने उस वीडियो में जब टेक्निकल व्यू रखा था निफ्टी का, तो हमने आपको बताया था कि एक बार निफ्टी 14,300-14,200 इस लेवल पे टेस्ट करने जरूर आएगी। और ऐसा लास्ट थर्सडे आपने एक्सपायरी के आसपास देखा था। उसके बाद फ्राइडे को मैंने आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी बताया था, अगर ये बात आपको याद हो या जो लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उन्होंने उसमें देखा उस मैसेज को कि सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर करेगा। वो जो चीज थी दोस्तों सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर करेगा, उसके पीछे एक लॉजिक था, वो वैसे ही नहीं बोल दिया था। मतलब सुबह ही आपको मॉर्निंग मैसेज दे दिया कि मार्केट रिकवर करेगा और मार्केट वैसे ही रिकवर किया। उसके पीछे रीजन था कि जब एक 600-700 पॉइंट की करेक्शन या 400 पॉइंट की करेक्शन, 500 पॉइंट की करेक्शन, मतलब ये आंकड़ा करीब करीब 400 से ऊपर होना चाहिए, जब भी ऐसी करेक्शन हो जाती है लगातार दो या तीन दिन में, तो एक पुल बैक रैली आती है। पुल बैक रैली, उसको आप बुलिश रैली नहीं बोलते हैं, पुल बैक रैली बोलते हैं। पुल बैक रैली मतलब कि स्टॉक या कोई भी मार्केट जब बहुत तेजी से नीचे आता है तो एक बार जंप लेके थोड़ा सा ऊपर आता है, वो पुल बैक रैली का काम करता है। और वो पुल बैक रैली दोस्तों अभी बरकरार है। आज हम बुधवार को 24 मार्च को इस वीडियो को बना रहे हैं, मार्केट आवर्स में बना रहे हैं, मार्केट चल रही है, सुबह सुबह हम इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि तमाम मैसेज फोन आ रहे हैं, बहुत लोग पिछले हफ्ते इतने पैनिक हो गए कि उन्होंने पैनिक होके अपने बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स को सेल कर दिया, और समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुख होता है दोस्तों उस चीज़ से। मैंने इसीलिए बोला वीडियो का मेन मकसद है साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करना, आपको ये मैसेज देना कि ये मैं आपको बता दूं कि जब आपकी स्टडी बहुत दुरुस्त है, बहुत मजबूत है और आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो उसे 1,000-2,000 तक की करेक्शन में भी डिस्टर्ब ना करें। ये तो सिर्फ महज 400-500 पॉइंट की करेक्शन थी। मैं कह रहा हूं अगर 2,000 तक की भी करेक्शन आ जाए, 2,000 पॉइंट भी करेक्ट हो जाए मार्केट, तो भी अपने मेन जो आपके अच्छे फंडामेंटल स्क्रिप्ट जो डेप्थ में आपने स्टडी की है या आपके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर ने जो बहुत अच्छे रिसर्च एक्सपर्ट हैं
उन्होंने आपको कोई स्टॉक सुझाया है, रिकमेंड किया है, और उसके पीछे वजह बताइए कि हमने क्यों रिकमेंड किया है, तो ऐसे इन स्टॉक्स को जल्दी से मार्केट में करेक्शन आने से बेचा नहीं करते, बल्कि उन्हें होल्ड करते हैं, और अगर पैसा है तो उन्हें एक्युमुलेट करते हैं। उन स्टॉक्स को आप ना बेचें, डिस्टर्ब ना हो। जहां तक बात है ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग दोस्तों आप अपनी करते रहिए, ट्रेडिंग में कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए आज भी हम ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट चल रही है, मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, लाइव मार्केट ट्रेड। और दोस्तों लाइव मार्केट ट्रेड के लिए हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे आने वाले हैं। प्लीज आप सभी लोग इस चीज के ऊपर एक अपना सहयोग प्रदान जरूर करिएगा, और यूट्यूब पे हम आएंगे लाइव ट्रेड किस तरीके से हम अपनी बनाते हैं, क्या हमारे कॉन्सेप्ट पैरामीटर्स हैं, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, जिसमें हम इंट्राडे भी करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स भी ढूंढते हैं। आप लोगों को रोजाना हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हॉट स्टॉक्स बताते हैं, वो हॉट स्टॉक्स किस तरीके से हम बनाते हैं, निकालते हैं, वो सारी बातें हमें थोड़ी थोड़ी लर्निंग में लानी चाहिए, क्योंकि हमारे मार्केट का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका एक एम यही है, हमने रखा हुआ है स्टॉक मार्केट लर्नर्स। सो हम और आप सभी लर्नर हैं, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की भी बातें कर रहे हैं, ट्रेडिंग की भी बातें कर रहे हैं। मार्केट में आपको हर तरफ से सक्सेस लेनी है, तो आपको अपने नेचर में इन्वेस्टमेंट भी लानी पड़ेगी, और अपने नेचर में आप ट्रेडिंग भी लेके आइए, क्योंकि ट्रेडिंग जब तक नहीं लाएंगे मार्केट में आपकी नॉलेज इम्प्रूव नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं लाएंगे तो कंपनी को लेके आपका शोध, आपकी रिसर्च डेवलप नहीं होगी। तो मेन पर्पस तो यही है कि नॉलेज बढ़ेगी तो पैसा अपने आप बरसेगा, इस मार्केट में पैसे को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों मार्केट से कभी उम्मीद मत करिए, मार्केट से जितनी कम उम्मीदें करेंगे मार्केट आपको उतना ज़्यादा देगा। आप मार्केट से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, कोई शेयर किसी भाई का बढ़ गया और दुगना हो गया, हमने बोला भाई साहब दुगना हो गया, अब क्या चाहिए, 100 गुना रिटर्न बेच दो। नहीं जी, 500 गुना पे बेचूंगा। क्या आपको उसके फंडामेंटल्स या उसकी कैलकुलेशन पता है वो 500 जाएगा? पता कुछ नहीं है, बस ग्रीड है, 500% पे बेचूंगा, और वो देखते ही देखते उसका 100% 20% में बदल जाता है, और फिर बाद में हरियाली लाली में बदल जाती है, फिर कहते हैं ओ स्टॉक गिर गया, मार्केट है, जुआ है, ये है, सट्टा है, सब आप ही ने बनाया है दोस्तों। मार्केट तो अपनी चाल चल रहा है। और दूसरी चीज, मार्केट में करेक्शन आना लाजमी है। मार्केट ताबड़तोड़ भगे जा रहा है इतने दिन से, छोटी सी करेक्शन आई लोग सहम गए, घबरा गए, दुनिया भर के तमाम मैसेज, फोन, भाई क्या होगा कैसे। अरे आप बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री नहीं लेते सबसे पहली बात, और राइट टाइम पे ना एग्जिट करते हैं। इन दो वजह से, ये दो तो मेन इंपॉर्टेंट वजह है, और इन दो वजह से ही सबसे ज्यादा फंसता है आदमी। अगर किसी स्टॉक का प्राइस लेवल 80 रुपीज है तो उसको 80 पे नहीं खरीदते हैं आप, जब वो 85-90 हो जाता है तो सोचते हो अरे आप खरीद लो, बढ़ रहा है, तो वहां से निकलने का समय है। 80 रुपए की चीज 10% ऊपर बढ़ गई है, 80 रुपीज 88-90 रुपीज तक पहुंच गया वो स्टॉक, और आप कह रहे हैं कि अब खरीद लो। अब तो दूसरा जो आदमी, जो बिल्कुल रैशनल इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो बहुत समझदार है, जो मार्केट को बहुत अच्छे से जानता है, उसकी साइकोलॉजी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो वहां पे सेल कर रहा है। तो मार्केट में ये सब बातों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज दोस्तों, एक बात और अभी मैं बोल दूं कि मार्केट में पुलबैक रैली आई है, मार्केट में ये पुलबैक रैली आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आई है। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स में अपनी प्रॉफिट बुक करिए। मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट को टच मत करिए, इन्वेस्टमेंट में कभी आप प्रॉफिट बुक करने लग जाएं। अगर आपके किसी स्टॉक का एम ही 2-3 times बाद बेचने का है तो उसको अभी मत सेल करिए। लेकिन जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपकी, जहां पे आप 10% 20% की उम्मीद करते हैं, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको 8% मिल रहा 10 की जगह तो कोई बुराई नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है ये। लेकिन मैं आपको एक बात और बोल दूं, बिल्कुल जोर से बोल रहा हूं ये बात, मार्केट में अभी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, अभी मार्केट की पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। अगर एक मेरठ की देसी भाषा में बोले भाई, पार्टी तो अभी शुरू हुई है।
तो पार्टी शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है कि पार्टी में ये नहीं है कि बस पार्टी शुरू हुई है तो अभी बस गाना बजाना ही होगा, अभी करेक्शन भी आनी है। और मार्केट में एक मेजर करेक्शन ड्यू है दोस्तों, इस बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, मार्केट में एक बड़ी करेक्शन ड्यू है। और बहुत बड़ी करेक्शन जो वो ड्यू है वो कब आएगी, कैसे आएगी, ये कहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस चीज को मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि कब वो करेक्शन आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन करेक्शन ड्यू है ये कन्फर्म है। और करेक्शन कहां तक ड्यू है ये भी मैं बता दूं, आप निफ्टी का चार्ट देखिए। इस निफ्टी के चार्ट में हमने एक लाइन ड्रॉ की है, पहले से बोल रहे हैं 13,600 तक मार्केट एक बार करेक्ट होगी। अगर मार्केट अभी जल्दी में करेक्ट हो जाए 13,600 तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सारे गैप जो भी हैं उन्हें फिल करके बहुत मजबूती के साथ ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर एक बार जब करेक्शन ऊपर से नीचे आएगा तो फिर बहुत ज्यादा पेन होगा, बिल्कुल हर तरफ रेड कार्पेट हो जाएगा फिर तो बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ट्रैपिंग मोड होगा, वहां बुल भी ट्रैप होंगे बियर भी ट्रैप होंगे। लेकिन हमें ट्रैप नहीं होना है, समझदारी इसी में, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक करते रहिए, इन्वेस्टमेंट में बने रहिए। और 15,300 के बाद मार्केट में एक नई रैली, नया तेजी देखने को बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। तो ये पूरा हमने मार्केट को लेके अपनी एक छोटी सी एक सलाह मशवरा, एक एडवाइस, एक स्टडी, जो भी आप कह लें वो दी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियोस आप इतनी ज़्यादा देखते, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर कंटिन्यू राइज हो रहे हैं हमारे, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ आपको मैंने तीन स्टॉक्स की बात करी थी, तीन स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड करने के लिए, अपनी स्टडी शेयर करने के लिए मैंने बोला था इस वीडियो में, वो हम इसी वीडियो के साथ में कंटिन्यू दूसरी वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में हम तीनों स्टॉक्स को आपको देंगे। एक छोटी सी वीडियो के साथ में दूसरी वीडियो हम लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में आप इसी मैसेज को थोड़ा सा अपने नॉलेज में, अपने माइंड में, अपनी बुक में नोट करिए कि मार्केट के कुछ लेवल्स हैं, 13,600 तक की करेक्शन और 15,300 के बाद बड़ी रैली, ये मार्केट की एक स्ट्रेंथ बनेगी। और मार्केट में आगे बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, मजे से इन्वेस्टमेंट करिए, हैप्पी रहिए, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करिए।